subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any update hello everyone so here i am to discuss lesson 1.7 ssc cgl tier 2 2016 ka 30th november ka paper for maths aur isme mai discuss karunga question number 61 say question number 70 and this is being presented by me क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है जरा समझते हैं इफ ए कोन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बाय ड्राइंग ए प्लेन थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स एक्सिस देन द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टू पार्ट्स ऑफ द कोन इज यदि किसी शंकु को उसके अक्ष के मध्य बिंदु से होकर समतल खींचते हुए दो भागों में विभक्त किया जाता है तो शंकु के दोनों भागों के आयतन का अनुपात क्या होगा चलिए ड्रॉ करते हैं कि कोन का स्ट्रक्चर आप सभी लोगों को पता ही होगा कुछ ऐसा होता है ये इन्होंने दिया है कि मिड पॉइंट से इसको डिवाइड कर दिया अब देखिए मिड पॉइंट से अगर इसको डिवाइड किया और अगर हम इसका टू डायमेंशनल प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह का बनेगा और मैं इसको एक लाइन की तरह ले लेता हूं अब इसमें एक ध्यान रखिएगा कि जब इसको दोनों साइड के मिड पॉइंट को एक समतल खींचते हुए हमने दो भागों में विभक्त किया है तो ये जो दोनों ट्राइंगल होंगे ये छोटा वाला ट्राइंगल और एक बड़ा वाला ट्राइंगल जो आपको दिख रहा है ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल होंगे जिसको बोलते हैं समरूप तो इसमें एक बहुत अच्छी चीज है आपको पता है कि जो भी वॉल्यूम होता है किसी कोन का ये होता है वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर एच यहां हमें वॉल्यूम निकालना नहीं है हमें वॉल्यूम का रेशियो बताना है किसका इस छोटे वाले पार्ट का क्योंकि आपने यहां से कट किया तो इसका रेशियो इस वाले पार्ट से बताना है कि क्या होगा तो वॉल्यूम का रेशियो निकालना है तो कांस्टेंट टर्म्स का कोई रोल नहीं होने वाला तो ये वन बाई थ्री पाई भूल जाइए हमारे पास यही चीज है आर एच। और देखिए अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन तो कांस्टेंट रेशियो के टर्म्स में आ रहे हैं एक दो एक चार एक सात एक आठ करके कुछ तो ये तो बहुत ही आसान है करना ना कि हमारे पास ये रेडियस और हाइट दो वेरियबल हमें दिख रहे हैं इसको जल्दी करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं आप यहाँ रेडियस और हाइट को अलग अलग लेके ना चलो बल उनका मैग्नेट

अगर आपको सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी मालूम है तो ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल और ये छोटा वाला ट्राइंगल सिमिलर होगा तो अगर ये वन है और आपको ऑलरेडी दिया है कि ये मिड पॉइंट है तो ये मिड पॉइंट है तो ये और ये हाफ हाफ होंगे बराबर होंगे तो इसी तरह से क्या है कि अगर इसकी हाइट वन है तो बड़े वाले कोन की हाइट क्या होगी टू होगी पूरा मैं यहां से यहां बोल रहा हूँ हाइट इसकी टू होगी और इसका रेडियस भी टू हो जाएगा और आप देख सकते हो कि आर स्क्वायर एच का जो प्रोडक्ट है क्योंकि तो आर और एच बराबर है तो आर क्यूब भी बोल सकते हो आप वो टू क्यूब हो जाएगा यानी एट हो जाएगा तो अब मैं कह रहा हूँ कि एक कोन आपने लिया छोटा वाला उसका वॉल्यूम वन है बड़े वाले कोन का वॉल्यूम एट है तो आपको जो वैल्यू मिलने वाली है वो मिलने वाली है one ratio. Eight, अगर हमें ये पूछा गया होता कि इस छोटे वाले कोन का वॉल्यूम और बड़े वाले कोन का वॉल्यूम क्या है ये गलती आप मत करिएगा ये नहीं पूछ रहे हैं आपसे आप पूछ रहे हैं कि इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम से क्या रेशियो रखता है तो ये वन रेशियो सेवन होगा क्योंकि पूरा एट है एट माइनस वन आपका सेवन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि टू रेगुलर पॉलीगंस हैं इस तरह से हैं कि जिनके नंबर ऑफ साइड्स का जो रेशियो है वो दिया हुआ है वन रेशियो टू और उनके एंगल्स इंटीरियर एंगल्स का जो मेजर है वो थ्री रेशियो फोर है तो हमें बताना है कि नंबर ऑफ साइड्स हर पॉलीगन में कितनी होंगी देखिए कई लोग फॉर्मूल फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को करते हैं कि इंटीरियर एंगल का उनको फार्मूला पता होता है साइड्स को एज्यूम करते हैं एन और टू एन और फिर उससे इंटीरियर एंगल का रेशियो निकाल के थ्री रेशियो फोर के बराबर करके एन की वैल्यू निकालते हैं बट वो तरीका आप यूज करोगे तो ये बहुत लंबा होने वाला है चलिए हम बात करते हैं कुछ रेगुलर ज्योमेट्री की जिसकी इंटरनल एंगल्स की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए देखिए रेगुलर ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं एक इक्वल ट्रायंगल होता है आपको पता है सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं बिना कुछ बताए हुए सबको मालूम होता है स्क्वायर को आप ध्यान रखिए स्क्वायर में आपको पता है सारे इंटरनल एंगल 90 डिग्री होते हैं और इसके बाद आपको मैं बात करूंगा पेंटागन की और वो भी मैं देखिए रेगुलर पेंटागन की बात कर रहा हूँ जहाँ पर सारे एंगल्स बराबर होंगे तो रेगुलर पेंटागन में ये हर एक एंगल जो होता है ये वन जीरो एट डिग्रीज होता है अगर आपको नहीं पता तो आप ध्यान रखिए मैं आपको भी बताऊँगा इसको याद करने का तरीका क्या है फिर हम बात करेंगे हेक्सागन की हेक्सागन में देखिए हर एक एंगल जो होता है ये 120 ट्वेंटी डिग्रीज होता है ये आपको ध्यान रखना है रेगुलर हेक्सागन ये इतनी चीज़ें हैं जो अप टू हेक्सागन एटलीस्ट आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए दूसरा एक तरीका है देखिए इन चीज़ों को समझने का कि, कि किसी भी पॉलीगन में किसी भी रेगुलर पॉलीगन की अगर आप बात करोगे या किसी भी पॉलीगन की बात करोगे तो एक चीज बहुत यूजफुल रिजल्ट है कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स अगर आप निकालते हो तो ये वैल्यू जो होती है ये वैल्यू आपकी 360 डिग्री आती है और यही सफिशियंट होता है कोई भी एंगल निकालने के लिए अगर इन केस अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे मैंने एक्स वन जीरो एट पता है मुझे बहुत आसान है अब देखिए ध्यान से अगर मैं पेंटागन की बात करूंगा तो पेंटागन में फाइव एक्सटीरियर एंगल्स होंगे जैसे ये इंटीरियर एंगल आप बोल रहे हो ना तो ये वाला एंगल आपका एक्सटीरियर एंगल कहलाता है ये सारे रेगुलर ज्योमेट्री में इक्वल होते हैं और इनका सम कितना होगा 360 तो अगर यहाँ पर फाइव एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होने वाला है तो आप इसको फाइव से डिवाइड कर लो तो फाइव से डिवाइड करके आपको ये मिल जाएगा सेवेंटी टू डिग्रीज अब अगर आपको इंटरनल एंगल यहां निकालना है तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल तो एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं वन एट्टी में से माइनस किया 108 डिग्रीज निकल गया बट फिर भी मैं कहूंगा ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए अब टू हेक्सागन इंटरनल एंगल्स आपको मालूम होने चाहिए नहीं पता है तो आप ये तरीका अपना सकते हो उसको निकालने के लिए अब चलिए सवाल को देखते हैं कि ये कैसे बहुत आसानी से हो सकता है ओरली बिना कुछ ज्यादा किए हुए ध्यान से देखते हैं देखिए पहले हमारे यहाँ पर थ्री और सिक्स को देखने के लिए क्योंकि ये एंगल तो नोन है आपको यहाँ आपको पता है कि ये सिक्सटी होता है और यहाँ वन होता है तो ये रेशियो वन रेशियो टू नहीं है ये रेशियो वन रेशियो टू है ये थ्री रेशियो फोर नहीं है यानी ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है फिर मैं यहां आऊंगा फोर और एट में मुझे पता है कि फोर में नाइन्टी होता है तो फोर में अगर नाइन्टी होता है तो मुझे कितना चाहिए एट के लिए एट पता नहीं है बट टेंशन नहीं लेना है अगर आपको थ्री रेशियो फोर चाहिए तो फोर में अगर ये नाइन्टी आ रहा है थ्री नाइन्टी हो गया तो फोर कितना होगा वन ट्वेंटी चाहिए आपको बट आपको पता है कि वन ट्वेंटी तो यार हेक्सागन का होता है वन ट्वेंटी हेगन का होता है ये ऑक्टागन का नहीं होता है तो थ्री रेशियो फोर बनाने के लिए आपको यहाँ पर हेक्सागन चाहिए था लेकिन यहाँ तो ऑक्टागन दिया हुआ एट साइड्स ये भी पॉसिबल नहीं है अब दो ऑप्शन बचे हैं इसमें से एक सही है कोई एक चेक करते हैं जैसे मैं बात कर रहा हूँ इस पेंटागन की पेंटागन लिया हमने पेंटागन में मैं पता है कि इंटरनल एंगल मेरा वन जीरो एट डिग्रीज का होता है अब अगर साइड्स टेन हो गई तो आप क्विकली दिमाग से सोच सकते हो कि एक्सटर्नल एंगल क्या होगा एक्सटर्नल एंगल 36 डिग्री हो जाएगा क्योंकि 10 एक्सटीरियर एंगल्स होंगे 36 डिग्री एक्सटीरियर एंगल हो गया तो क्या होगा आपका इंटीरियर एंगल 144 डिग्री 180 में से माइनस करके निकाल लिया और आप जरा देखो ये रेशियो थ्री रेशियो फोर है कि नहीं है ये थ्री रेशियो फोर है क्योंकि थर्टी से आप डिवाइड करिए दोनों साइड्स को आपको थ्री रेशियो फोर मिल जाएगा यानी दिस इज द करेक्ट आंसर बिना किसी टेंशन के बिना किसी एन के फॉर्मूले को लगा के आप इस आंसर को इजिली निकाल सकते हो बट जो चीजें मैंने बताई हैं उनको दिमाग में रखना जरूरी है इस तरह से इंटेलिजेंटली अगर अपनी नॉलेज को आप यूज करोगे तो आसानी से आपका आंसर निकलेगा क्वेश्चन नंबर 63, 63 कह रहा है कि इन इन द लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ आइसोसलेस ट्राइंगल एंड एन इक्वल ट्राइंगल विद द सेम पेरीमीटर इज सबसे जरूरी चीज आपको यह जानना है कि दोनों ट्राइंगल की पेरीमीटर या परिमाप उनका बराबर है क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहे हैं एरिया का रेशियो पूछा जा रहा है आपसे तो देखिए इसको कैसे करना है पहले तो मैं एक आइसोसलेस ट्राइंगल एज्यूम कर रहा हूं जिसमें कह रहा है कि लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ द तो थर्ड साइड तो इस साइड की लेंथ को मैं मान रहा हूं टू और यहां मैं मान रहा हूं फोर फोर आप कुछ और भी मान सकते हो पर टू क्यों लिया है इसका एक बेनिफिट आप जान से देखिएगा जब आप आइसोसलेस ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो ये इसको बाइस करता है तो ये होता है वन और वन हो जाएगा अब ये वैल्यू आपकी आराम से निकल जाएगी रूट फिफ्टीन क्योंकि आप राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा लो सिक्सटीन माइनस वन रूट फिफ्टीन हो गया इसका एरिया अगर आप कैलकुलेट करोगे क्योंकि बेस मैंने टू लिया था टू जानबूझ के लिया था क्योंकि आ, एरिया का एरिया का तरीका क्या होता है हाफ इन टू बेस इंटू अल्टीट्यूड होता है ट्राइंगल में तो बेस अगर हमने टू लिया तो वो टू और टू कैंसिल हो जाएगा और यहां पर मुझे एरिया क्या मिल जाएगा रूट रूट 15 एरिया मिल जाएगा अब मुझे एक इक्विल बोला गया उसका भी परिमाप यही है पेरीमीटर यही है तो कितना पेरीमीटर यहाँ पर है टेन फोर फोर एट एंड टू टेन यहाँ भी मुझे टेन रखना है पेरीमीटर अब यहाँ साइड निकालोगे फिर एरिया निकालोगे दैट कैन बी डन चलिए देखते हैं। आप, इस का 10 है। आप ये मैंने आपको बताया था उस स्टैंडर्ड ट्राइंगल का पेरीमीटर सिक्स था तो उसका एरिया कितना था रूट थ्री यहाँ उसका पेरीमीटर टेन है तो एरिया कितना होगा वो होगा हंड्रेड बाई थर्टी सिक्स टाइम्स रूट थ्री मैंने निकाला स्केल फैक्टर क्या है टेन बाई सिक्स अगर स्केल फैक्टर टेन बाई सिक्स है इसका रेशियो लेना है आप बहुत समझदारी से देख सकते हो देखिए हर ऑप्शन में हंड्रेड इधर आ रहा है और रूट फाइव भी आ रहा है सब में आप क्लियरली देख सकते हो कि क्या बचेगा अल्टीमेटली जो डिफाइन करेगा आंसर यहाँ पर वो थर्टी सिक्स और हंड्रेड है आप इजिली मार्क मार कर सकते हो अगर आपको ज्यादा इंटरेस्ट है आप सिंपलीफाई करके देख लो रूट थ्री से कट के ये बचेगा रूट फाइव थर्टी सिक्स रूट फाइव रेशियो हंड्रेड आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर करते हैं अभी ये कह रहा है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसमें पार्शियली वाटर भरा हुआ है टू आयरन स्फेरिकल बॉल्स हैं जो कंप्लीटली इसमें इमर्स की जाती हैं डुबोई जाती हैं डूबी हुई हैं कि इनकी हाइट जो वाटर है जो सिलेंडर में वाटर है उसकी हाइट फोर सेंटीमीटर राइज हो जाता है क्यों बिकॉज ऑफ बॉल को पूरी तरह से डुबोने की वजह से ये भी दिया हुआ है कि रेडियस ऑफ वन बॉल इज हाफ द अदर एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज जो डायमीटर सिलेंडर का है, वो 18 सेंटीमीटर है आपको बताना है कि उसका रेडियाई स्फेरिकल बॉल्स का कितना है आप देखो दोनों रेडियस दिए हुए हैं पर इसमें इस स्टेटमेंट इस का फायदा आप ऑप्शन चेकिंग में नहीं उठा पा रहे हो क्यों क्योंकि हर आंसर में वन रेशियो टू दिया हुआ है बट अब इसको करना कैसे ये थोड़ा सा हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है देखिए तो आप सभी को पता है कि अगर कोई सिलेंडर की बात की जाती है तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है और यहाँ पे डायमीटर आपको एटीन दिया गया है तो रेडियस कितना होगा नाइन होगा नाइन अगर रेडियस है तो आप क्लियरली देख सकते हो ये हो जाएगा एट्टी टाइम्स पाई और अगर मैं एच की वैल्यू मान लेता हूं वन सेंटीमीटर तो ये आ रहा है वॉल्यूम इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं हाइट को वन सेंटीमीटर रेज करना चाहता हूं तो जो वॉल्यूम होगा होगा वो इतना होगा. 81 पाई वॉल्यूम डिस्प्लेस करना पड़ेगा इतना वन सेंटीमीटर का राइज होगा यहाँ पर दिया हुआ है कि राइज फोर सेंटीमीटर का हो रहा है यानी फोर टाइम्स दिस वॉल्यूम जो है आपको डिस्प्लेस करना पड़ेगा अब दोनों स्फेरिकल इस बॉल्स इसका मतलब फोर टाइम्स एट्टी वन पाई वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रही हैं। अब मैं जरा इधर उनके

फिर कैलकुलेट करो इतना टाइम वेस्ट मत करिए जैसे ही ये रिलेशनशिप आपको मिला कि दोनों के रेडियस के क्यूब्स का सम 243 होना है आप सीधे ऑप्शन देखो पहला ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि उसमें एक रेडियस का क्यूब अकेले ही 1728 आ जाएगा 1728 पॉसिबल नहीं हमें सम चाहिए कितना 243 इवन 8 का क्यूब क्या होता है 512 पॉसिबल नहीं है यहां देखिए 6 का क्यूब कितना आएगा 216 3 का क्यूब कितना आएगा 27 जिसका सम होता है 243 और यही आपको करेक्ट आंसर मिल गया राइट आंसर है इस तरह से आप इजिली इस क्वेश्चन को कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 65 करते हैं द होल सरफेस एरिया ऑफ ए पिरामिड हुज बेस इज इज 340 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ द बेस इज गिवन टू बी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ईच लैटरल फेसेस 30 सो so बताना है नंबर ऑफ लैटरल फेसेस कैसे होंगे बहुत ही आसान सवाल है इसमें कह रहा है कि देखिए पिरामिड की बात की जा रही है पिरामिड में एक पॉइंटेड टॉप होता है है ना ऐसे करके होता है थ्री डायमेंशन मैं इसको यहाँ बना नहीं सकता हूँ तो मैं दस दिखा रहा हूँ कि पिरामिड में पॉइंटेड टॉप होता है तो यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि इसमें कुछ लैटरल सर्फेस हैं कुछ बेस एरिया है तो जो ओवरऑल सरफेस एरिया होता है किसी भी पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया वो तो आपका होता है बेस एरिया प्लस लैटरल सर्फेस एरिया यही आपका होता है पिरामिड का टोटल सर्फेस एरिया बेस एरिया इन्होंने आपको बता दिया है कि हंड्रेड है ये वैल्यू अगर टू फोर्टी तो आपको बताया लैटरल सर्फेस एरिया कितना होगा टू हंड्रेड फोर्टी और ये भी उन्होंने बता दिया कि ईच लैटरल सर्फेस एरिया जो है ईच फेस का थर्टी है तो कितने लेटरल फेसेस होंगे एट इतना आसान सवाल है कि 240 टोटल लेटरल सरफेस एरिया है पर दिया हुआ कि ईच इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर तो 240 फोर्टी बाई थर्टी आपको 8 दे देगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि अगर पी की वैल्यू 99 है तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी आपको बिना समय व्यर्थ किए हुए आपको आंसर लगाने की जरूरत है की आंसर होगा ट्रिपल नाइन ट्रिपल नाइन मैं इस क्वेश्चन को पहले बताता हूँ क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या है इसका बैकग्राउंड क्या है ये क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है क्योंकि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है P99 दिया है ये एक्सप्रेशन पूछ रहे हैं कभी कुछ और एक्सप्रेशन भी पूछ सकते हैं मैं आपको बताता हूँ फंडामेंटल लॉजिक फिर आप किसी भी क्वेश्चन को डायरेक्टली मार्क कर सकते हो देखिए नाइन 99 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 99 मिलता है अगर आप इसी 99 को उठा के मल्टीप्लाई करिए वन जीरो वन से तो आपको डबल नाइन डबल नाइन मिलेगा आप सिंपली देख सकते हो नाइनटी नाइन टाइम टेन आपका हो जाएगा नाइन नाइनटी और फिर इस 99 को इस 1 से मल्टीप्लाई करोगे फिर से 99 आएगा तो 499 आपको मिलने वाले हैं सिमिलरली अगर आप एक 99 लो और इसको आप मल्टीप्लाई करिए 10101 से फिर से क्या यहां पर आपको मिलने वाला है यहाँ आपको मिलने वाला है ट्रिपल नाइन ट्रिपल नाइन आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लो आप ऐसे आगे बढ़ते जाओगे आपको ऐसे वैल्यूज मिलती जाएंगे आप ध्यान से देखिएगा जब यहाँ पर थ्री डिजिट्स थे 101 में फोर तो नाइन्स मिले यहां फाइव डिजिट्स होंगे वन जीरो सिक्स नाइन्स मिले अब ये फंडामेंटल ही इन क्वेश्चन पे बेस्ड है जैसे ये वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस पे बेस्ड है एक क्वेश्चन और भी हो सकता है जो फ्रेम हो सकता है नाइनटी नाइन टाइम्स वन जीरो वन जीरो वन तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितने डिजिट्स है यहाँ पर सेवन तो आप यहाँ पर एट टाइम्स नाइन आने वाला है आपका इतनी आसानी से आप चीजें कर पाओगे अब देखिए क्या इन्होंने जो एक्सप्रेशन लिखा है कुछ नहीं किया है इस नंबर्स को वेरिएबल के फॉर्म में लिख रखा है यही लिखा हुआ है यहां भी जान से देखिएगा ये पी की वैल्यू नाइनटी नाइन है तो ये 99 नाइन टाइम्स ये जो वैल्यू अंदर की है ना ये कुछ नहीं है ये आपकी है वन जीरो वन जीरो वन उसको उन्होंने इस फॉर्म में उठा के लिखा है जरा इसको डिकोड करते हैं फॉर्म ये है पी प्लस वन होल स्क्वायर प्लस पी प्लस वन आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस टू पी प्लस वन और एक पी बच गया तो यहाँ हो गया पी प्लस वन और ये वैल्यू है प्लस वन और ध्यान से देखना इस वैल्यू को ये नाइनटी नाइन प्लस वन होल स्क्वायर है यानी हंड्रेड होल स्क्वायर है यानी ये वैल्यू है टेन थाउजेंड ये क्या है हंड्रेड ये क्या है वन अब देखिए क्या वैल्यू मिलेगी आपको वन जीरो वन जीरो वन सिमिलरली अगर आपको ये फॉर्म बनाना है ना आप कुछ मत करिए यहाँ पर आपने लिखा है पी प्लस वन का होल स्क्वायर आप वहां पर पी प्लस वन होल क्यूब से स्टार्ट करिए पी प्लस वन होल क्यूब प्लस पी प्लस वन होल स्क्वायर प्लस पी प्लस वन प्लस वन उसी को एक्सपैंड करिए और एक नया क्वेश्चन बना दीजिए पर आपको पता है कि इसका बेसिक पैटर्न क्या है जिसका आंसर क्या होगा आपको सिर्फ नाइन काउंट करने और आपका आंसर आसानी से निकल आएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन कह रहा है एक्स प्लस वन बाई एक्स सी प्लस वन बाई सी के बराबर है तो बताइए की वैल्यू क्या होगी बहुत ही आसान है आप सी रखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा सी प्लस वन बाई सी टू सी प्लस वन बाई सिक्स सी यानी एक्स की एक वैल्यू तो मिल गई सी दूसरी वैल्यू ध्यान से देखिए एक्स की वैल्यू आप रखिए वन बाई सी तो ये हो जाएगा वन बाई सी प्लस वन बाई वन बाई सी वो भी सी हो जाएगा सी प्लस वन बाई सिक्स फिर से मिल गया यानी इसके दो रूट्स हमें मिल रहे हैं सी और वन बाई सी ये हो गया आपका आंसर एक्स की वैल्यू ये दो पॉसिबल है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट कह रहा है कि इफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू रियल नंबर्स इज फोर्टी वन एंड देयर सम इज नाइन देन सम ऑफ क्यूब्स ऑफ दीज टू नंबर्स इज बहुत ही आसान सवाल है आपको बस नंबर क्रंचिंग करनी है दो नंबर्स ऐसे ढूंढने जिनका स्क्वायर ये होता हो अब आपको कुछ बेसिक स्क्वायर तो पता ही होंगे थ्री स्क्वायर पता है नाइन होता है फोर स्क्वायर सिक्सटीन होता है फाइव स्क्वायर ट्वेंटी फाइव होता है बस यहीं रुक जाइए देखिए इसका सम हमें दे रहा है फोर्टी वन तो इसका सम अगर फोर्टी वन आ रहा है अब ये किन नंबर का स्क्वायर है फोर का स्क्वायर है और फाइव का स्क्वायर है इनका सम कितना आ रहा है नाइन आ रहा है दोनों कंडीशन सेटिसफाई हो गए बिना इक्वेशन क्वेश्चन सोल्व के हमने नंबर निकाल लिए नंबर फोर और फाइव है उनका क्यूब क्या होगा फोर क्यूब सिक्सटी फोर होता है फाइव क्यूब आपका वन ट्वेंटी फाइव होता है इनका सम होता है 189, वो आंसर आपका करेक्ट हो गया कह रहा है कंप्लीट फैक्टराइजेशन क्या होगा इस एक्सप्रेशन का एक्स टू द पावर फोर प्लस सिक्सटी फोर का हार्डली आपको एक सेकेंड लगना चाहिए सवाल को लगाने में कि इसका आंसर होगा फोर्थ देखिए मैंने कैसे किया पहले तो ये कि इस एक्सप्रेशन में अगर आप एक्स की वैल्यू जीरो रखोगे तो आपकी फाइनल वैल्यू आनी चाहिए 64। अब देखिए आप किस ऑप्शन में एक्स की वैल्यू जीरो रखने पर 64 आ रहा है आप कहोगे इसमें नहीं आएगा इसमें तो माइनस सिक्सटी फोर आ जाएगा इसमें माइनस सिक्सटी फोर आ जाएगा ये गलत हो गए दोनों ये दो ऑप्शन है पहला और चौथा जो आपको सिक्सटी फोर देंगे प्लस के साथ बट आपको एक सेकंड भी नहीं लगेगा ये चूज करने में कि ये आंसर सही होगा ये नहीं होगा क्यों आपको मेरे ख्याल से ये याद होगा कि अगर आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर करते हो तो आपको थ्री टर्म्स मिलते हैं इसका आप स्क्वायर करोगे तो आपको टू टर्म्स नहीं मिलेंगे थ्री टर्म्स मिलने वाले हैं तो ये तो सही नहीं होगा हमें तो टू ही टर्म चाहिए यहां टू टर्म मिलेंगे क्योंकि यहां कुछ माइनस भी आ रहा है तो कैंसिलेशन होगा मैं सिंपली ये कह रहा हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर तीन ऑप्शन गलत हो गए तो चौथा सही होना चाहिए ना होगा ये आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर चौथा भी गलत होगा तो वो एक ही केस में हो सकता है कि वो क्वेश्चन ही गलत हो या फिर वो ऑप्शन ही गलत डाला गया है वहां पर आपको उसके लिए परेशान नहीं होना है आपको बस ये देखना है ए और डी में से थ्री टर्म्स आएंगे यहाँ पर बट आपको थ्री टर्म्स चाहिए ही नहीं दो ही टर्म है यहाँ पर तो चौथा ही सही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाउ कह रहा है a प्लस बी की वैल्यू अगर वन है तो इसकी वैल्यू क्या होगी बहुत आसान सवाल है वेरिएबल क्वेश्चन हैं आंसर सारे कांस्टेंट में दिए हुए हैं टेंशन नहीं लेना है बस मार्क कर देना है देखिए तो आपको बस पता करना है कि जब भी a प्लस बी की वैल्यू वन होगी तो ये करें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट आने वाली है क्योंकि ऑप्शन ही कॉन्स्टेंट दिए हुए हैं कोई भी आंसर सही हो सकता है पर इनका कहने का मतलब है आप अगर ए प्लस की वैल्यू वन लोगे तो जो भी आंसर आप पिक करोगे वही ऑप्शन आने वाला है हर बार कुछ भी हो तो हमने कहा ठीक है अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो हम क्यों ना b की वैल्यू को रख दें जीरो अगर b हम जीरो रखेंगे तो हमें a को वन लेना पड़ेगा b को लेकिन जैसे आपने जीरो किया ये गया ये गया ये गया ये गया सारे टर्म चले गए बचेगा क्या ए टू दावर फोर माइनस ए क्यू पुट एक्वल टू वन इट विल बी वन माइनस वन और आंसर हो गया जीरो बस सही है इतना ही करना था इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं थी आपको थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग वीडियो लेसन